हेलो फ्रेंड्स, वरुण जंक्शन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़े हुई है बॉलीवुड के रियल हैंडसम हंक यानी कि ऋतिक रोशन से। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इन दिनों ऋतिक रोशन अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि उनकी फिल्म का इंतजार दर्शकों को बहुत ही बेताबी से है। आपको तो याद ही है कि 2019 में ऋतिक रोशन ने दो बेहतरीन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दी थी और उसके बाद से ही उनके चाहने वाले, उनके फैंस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी फिल्म में ऋतिक रोशन नजर आएंगे। यानी कि अब तक उन्होंने अपने आने वाली किसी फिल्म का नाम अनाउंस नहीं किया है और इसी वजह से उनसे जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है तो उनके चाहने वाले जो फैंस हैं वो खुशी खुशी हर एक खबर पर अपना ध्यान बनाकर रखते हैं। तो दोस्तों, आज ऋतिक रोशन को लेकर एक ऐसी खबर आई है कि जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक बेहतरीन फिल्म उनके हाथ लग चुकी है। आपको तो पता ही है कि इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश जो है वो थम सा गया, यानी कि भैया इस वायरस ने हमारे देश को भी अपने जद में लेना शुरू कर दिया है। कई सारे केसेस जो है कोरोना वायरस के लगातार देखने को मिल रहे हैं और इससे कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है हमारे देश में। और इसी बात को ध्यान में रखकर 21 दिनों का लॉकडाउन हमारी सरकार ने जारी किया है। तो मेरा आप लोगों से अपील है कि आप इस लॉकडाउन के दौरान बाहर ना निकले, खुद को सुरक्षित रखें और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको मैं बता रहा था ऋतिक रोशन के खबर के बारे में, तो आपको बता दूं कि ऋतिक रोशन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि भले ही इन दिनों बॉलीवुड का पूरा काम रुका हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्मों की तैयारियां नहीं चल रही। यानी कि बॉलीवुड के जितने भी सितारे हैं वो आज अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन अपने घरों में रहते हुए वो अपने आने वाले नए प्रोजेक्ट की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यानी कि भैया हमारे जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं वो अपने घर से ही बैठकर अपने आने वाले प्रोजेक्ट की तैयारियों में जुटे हुए हैं, चाहे वो सुपरस्टार्स हो या फिर हमारे फिल्म के मेकर्स हो। तो दोस्तों, ऋतिक रोशन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है कि उनके हाथ एक सुपर डुपर हिट फिल्म लग चुकी है, जो कि भैया एक सुपर डुपर हिट फिल्म का रीमेक है। तो भाई ये फिल्म कौन सी है? तो भाई बीआर चोपड़ा के द्वारा बनाई गई फिल्म द बर्निंग ट्रेन में ऋतिक रोशन की एंट्री हो सकती है। वही बर्निंग ट्रेन जो कि 20 मार्च सन 1980 को सिनेमा घर में एंट्री मारी थी और इस फिल्म ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी थी और इस फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर। तो फिर से एक बार बीआर चोपड़ा अपने सुपर डुपर हिट फिल्म को बनाने की तैयारियों में जुट चुकी है और इस बार इस फिल्म को डायरेक्ट करने की जो जिम्मेदारी मिली है वो मिली है जूनो चोपड़ा को। यानी कि जूनो चोपड़ा ने इस फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी है और उन्होंने अपने इस फिल्म के लिए सबसे पहले अप्रोच किया है तो वो किया है ऋतिक रोशन को। वैसे आपको मैं बता दूं कि जब ये फिल्म उस वक्त सिनेमा घर में आई थी तो इस फिल्म में बहुत बड़े बड़े सितारे थे, यानी कि धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद मेहरा, डैनी और विनोद खन्ना, यानी कि भैया बड़े बड़े नाम इस फिल्म के साथ में जुड़े थे। इस फिल्म में हेमा मालिनी थी, जीनत अमान थी, नीतू सिंह थी, मतलब कि फिल्म जो थी बहुत बड़े स्केल पर बनाई गई थी और इस फिल्म ने उतना ही जबरदस्त बिजनेस किया था। यानी कि यार इस फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त थी और बहुत बड़े लेवल पर यह फिल्म बनी थी। तो भाई इस बार भी इस फिल्म को बहुत ही बड़े लेवल पर बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं जूनू चोपड़ा। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा कि इस फिल्म के लिए अप्रोच तो कर लिया गया ऋतिक रोशन को, लेकिन इसके बाद इस फिल्म में और कौन कौन से सितारे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त भी ये फिल्म मल्टी स्टारर मूवी थी। क्या ये फिल्म इस बार मल्टी स्टारर होगी या फिर इस फिल्म में केवल एक ही हीरो होंगे यानी कि ऋतिक रोशन? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।